हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए स्टेच कैस्टमेटिक डायग्राम फ्री वाला लेके आया हूँ। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, तब जाके पता चलेगा। इसका लिंक मेरा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से रॉ फाइल आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और जो पासवर्ड है वो पासवर्ड वीडियो के अंदर ही मिलेगा। ओके, तो स्टार्टेड करने के बाद आपको इस फाइल को यहाँ पर स्टेच सेटअप पूजा मोबाइल SPL फ्री 1 ईयर फ्री रजिस्टर, किस तरह से रजिस्टर करते हैं और लॉगिन करते हैं आज इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक भी स्टेप अगर आपने मिस कर दिया तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। सबसे पहले यहाँ पर ओपन करना है, चेकिंग फॉर न्यू वर्जन में स्किप दे देना है। ओके, और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट कस्टमेटिक सेटअप आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कलेक्शन इंफॉर्मेशन, प्रिपेयरिंग इंस्टॉलेशन और फाइनलाइजिंग इंस्टॉलेशन, ये सबको इसको नेक्स्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट करते हुए आगे जाना है और इसको इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, ये कुछ देर टाइम लगेगा दोस्तों, क्योंकि ये इसका लंबा प्रोसेस है और जब तक इंस्टॉल कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको वेट करके रहना है। ये फ्री वाला डायग्राम है, ज़्यादा बहुत नहीं मिलेगा, लेकिन जितना भी बोरोनों में मिलता है उतना नहीं मिलेगा, बट ये फ्री वाला आप आसानी से काम कर सकते हैं। इसका कस्टमेटिक देख सकते हैं, डायग्राम देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और कौन सी रेजिस्टेंस क्या है, उसका वैल्यू क्या है, सब कुछ इसी में आप फाइंड कर सकते हैं। तो जो भी भाई लोग बोरोनों के लिए पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं तो ये डायग्राम आप हमारा चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं विथ 1 ईयर फ्री गारंटी के साथ। और इसका जो पासवर्ड है वो वीडियो के अंदर ही मिलेगा, आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लॉन्च में फिनिश में क्लिक कर देना है और ये कुछ ही देर में आ जाएगा आपके सामने। ये देखिए, स्टेच कस्टमेटिक डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है, नेट कनेक्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो ये लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका नाम या आपका शॉप का नाम जो कुछ है आप लिख सकते हैं, मैं पूजा मोबाइल लिख रहा हूँ। ठीक है, और एक आपको ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए मैं मेरा ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। ठीक है, मेरा ईमेल एड्रेस कंप्लीट करना है, यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस डालना है। ओके, मेरा नहीं, आपका डालना है। उसके बाद नीचे इसको कॉपी कर लेता हूँ, बाद में लॉगिन के लिए काम आएगा। और इसका नीचे जो है आपको पासवर्ड लिखना है। ठीक है, रजिस्टर करने के लिए आपको पासवर्ड लिखना है। उसके बाद रजिस्टर में क्लिक जैसे करोगे तो यहाँ पर ओके करना है, चेकिंग करने के लिए आपको ईमेल में करेक्ट ईमेल डाला है कि नहीं ये पूछ रहा है, तो ओके करना है। उसके बाद सक्सेसफुली एक मैसेज आएगा कि रजिस्टर वॉज सक्सेसफुल, योर अकाउंट इज ऑलरेडी एक्टिवेट। ओके, एक्टिवेट हो गया। और बैग आ जाना है, बैग आने के बाद आपको यहाँ पर ईमेल डालना है, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डालना है और रिमेम्बर मी में क्लिक करना, क्योंकि पासवर्ड हर टाइम डालना नहीं पड़ेगा। उसके बाद साइन इन कर देना है। ठीक है, आपके सामने आ जाएगा, देखिए आपके सामने फ्री वाला जो डायग्राम है वो आ गया है। यहाँ पर आपको एक्सेप्ट में क्लिक कर देना है या क्लोज भी कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर साइड में दिया गया है, जैसे कि बोरोनो देता है इस तरह दिया गया है, लेकिन बोरोनो में जितना अच्छा दिया है इसमें इतना ऐसा मेरे को नहीं लगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एडवांस है, एसुस है और हवाई, सामी, वीवो, रियलमी, ओप्पो, ये सब कुछ दिया गया है, स्केटमेटिक दिया है, डायग्राम दिया है। लेकिन यहाँ पर A3S देख सकते हैं आप, नेटवर्क, LCD लाइट, LCD टच स्क्रीन, वाईफाई, ब्लूटूथ,
ये सब एक को क्लिक करके देखते हैं, ये फास्ट ओपन होता है, बोरोनो से भी फास्ट ओपन होता है। देख सकते हैं ओप्पो A3s का ये कौन सी लाइट सेक्शन, हाँ शायद लाइट सेक्शन मैंने ओपन किया था LCD लाइट का, ठीक है। ये ओप्पो A3s का कितना क्लियरिटी है इसका जो फोटो में, अभी देखते हैं दूसरा कोई, ये मल्टी लेआउट देखते हैं सामी में, ठीक है। सामी में हम देखते हैं मल्टी लेआउट में किया दिया गया है, रियलमी GT मोटो वीवो कम दिया। उसके बाद हम देखते हैं PCB एंड बीट मैपिंग में देखते हैं, हाँ उसमें MI का ज़्यादा है PCB और बीट मैपिंग, ठीक है दोस्तों। तो आपका काम अगर इस वीडियो आता है, इस वीडियो से देखकर आपका काम बनता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिए। यहाँ पर Redmi 9A का देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर 9A का आप बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पर बोरोनो से भी क्लीन दिया गया है, इसमें बोरोनो में इतना क्लीन नहीं आता है, मैं भी बोरोनो यूज करता हूँ, ठीक है। ये 9A का है, ठीक है। अभी देखते हैं कौन सा सामी का है, देखते हैं दूसरा बीट मैपिंग में देखेंगे, स्मार्टफोन गाइडलाइन पर अप में लिखा हुआ है, ठीक है। ये C2 का ऑडियो सर्किट देखते हैं, ठीक है। ऑडियो सर्किट अगर मान लो रियलमी C2 मोबाइल में आपका ऑडियो सेक्शन प्रॉब्लम आ गया है तो किस तरह आप रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ से कहाँ सर्किट डायग्राम दे दिया गया है, कितना क्लियरिटी आ रहा है। ये मेरे को लगता है कि बोरोनो हम पैसा दे के ख़रीदते हैं लेकिन उसमें ज़्यादा मिलता है डायग्राम और कस्टमेटिक, लेकिन इसमें कम मिलता है, लेकिन बोरोनो से भी ये फास्ट है और बोरोनो से भी ज़्यादा ये क्लियरिटी आ रहा है, ठीक है। तो अब दूसरा कोई ओपन करके देखते हैं, चलिए Redmi 5A का कस्टमेटिक बीट मैप ये देखिए ओपन किया, ठीक है। तो वीडियो देख के अगर आपका काम बनता है तो एक बार मैं इसको ऑफ करके फिर से भी ओपन करके दिखा दूँ, क्योंकि आप लोग बोलते हैं भाई एक बार मेरा ऑन हुआ और ऑन ही नहीं हो रहा है। देखिए मैंने एक बार ऑन किया, दिखाया आपको, फिर से इसको दोबारा ऑन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये कुछ रिफ्रेश कर देते हैं, ये क्लोज नहीं हुआ होगा अभी तक, हाँ अब दोबारा इसको ओपन करते हैं। चलिए थोड़ा हैंग कर लेता है क्योंकि ये फ्री वाला टूल है, ठीक है। बस लॉगिन में क्लिक कर देना है और ये लॉगिन हो गया आपके सामने, देख सकते हैं ये मैंने दोबारा लॉगिन करके भी दिखाया, ठीक है ना दोस्तों। ये वीडियो 100% वर्किंग है, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। अगले वीडियो में तब तक ले जय हिंद।